हाय, आई एम टी पी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है मैं आपको अभी लास्ट हमने जो शूट किया था वो एक सेक्टर ट्वेंटी फोर का शूट था मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि क्या एन आर आई भी तीस गज का घर खरीदते हैं तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, uh, सारे एन आर आई करोड़पति नहीं हैं कुछ एन आर आईज़ ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड वाइल्ड जिनका एक uh, अभी एक बहुत बाहर के कस्टमर हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो क्या आप सबको करोड़पति महत्व समझो इंडिया से ज़्यादा मेहनत फॉरेन में भी होती है फॉरनर्स भी हैं जो मेहनत करते हैं और वो उनके पास थोड़ी सी फंडिंग जुड़ती है तो वो अट्ठाईस मीटर का ही घर ख़रीद वो वही बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि एन भी घर ख़रीदते हैं क्या इंडिया में एन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी वहाँ पे गए हैं और सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कोई किसी को करोड़ों रुपए की कोई अर्निंग नहीं होती फॉरेन में इसलिए कई लोग ऐसे भी हैं हर टाइप की हर टाइप के क्लास के कस्टमर होते हैं कुछ हाई भी होते हैं कुछ मिडिल भी होते हैं कुछ लो भी होते हैं तो जो लो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए अट्ठाईस मिनट एक्सपेंडेबल बहुत होता है और मुझे कॉल्स आई तो जो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया आ, तो वो ये नहीं देखते कि कितना हार्डवर्क करता हूँ मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए तो उसको कमेंट करना तो बहुत आसान होता है बट आप प्रैक्टिकली करके देखो तो टफ होता है मैं इतनी हार्डवर्क करता हूँ आपके लिए कुछ प्लॉट्स देने के लिए और कुछ फ्लोर समझाने के लिए तो गलत कमेंट्स ना कर, 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 <coughs> करा करो, सेकिन उल्टा अप्रिशिएट करा करो ताकि मेरे में और एनर्जी आए मैं आपको अच्छे से ईमानदारी की जो डील्स मैं अब तक किए हैं मैंने और ईमानदारी से करूं ताकि आपको अच्छा रिस्पांस मिले और कोई भी चीटिंग आ, मैं आपको पहले ही बता दूं मैं इस बिज़नेस में आने का मेरा लॉजिक ही यही था आ, कि लोग जो भी फ्रॉड लोग कर रहे थे उन फ्रॉड से बचाना कोई भी एक कस्टमर आके ये बोल दे कि मैंने किसी की डील के अंदर फ्रॉड किया चैलेंज से वो मेरे सामने बैठे ठीक है और बता दे कि मैंने उसके साथ कुछ फ्रॉड किया कभी नहीं वो, कल भी रजिस्ट्री है सबको जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं कोई भी ऐसा नहीं बता सकता कि मैंने एक भी रुपया किसी का खाया हो और मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्लॉट अभी कुछ दिन बाद हम एक अपने स्पेशल एसोसिएट हैं जो लोन का काम करते हैं लोन में भी कई लोग बेईमानी करते हैं और क्योंकि फाइल ले जाने के बाद रिस्पॉन्ड ही नहीं करते और पता लगता है कि ये लोन नहीं कर पाया तो लोन में भी कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं तो हमारे एक एसोसिएट है जो प्लॉट्स में स्पेशलिस्ट है लोन के वो भी हमारे साथ आके लोन में आपकी मदद करेंगे किस तरह से लोन किया जाता है प्लॉट का लोन एच बैंक के अलावा बहुत रेयर बैंक ही कर सकता है और वो भी नॉलेज होती है जिसको वही प्लॉट का लोन कर सकता है तो गलती से किसी ऐसे गलत पर्सन से मत फंस जाना जो कि लोन ना कराए आपका कुछ ऐसे कुछ पर्टिकुलर पर्सनस ही हैं जो प्लॉट का लोन करा देते हैं क्योंकि प्लॉट का लोन कराना आसान नहीं होता बिकॉज घर नहीं बना होता और कई बैंक्स टेक्निकल इशू में केस को फंसा देते हैं तो उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करूँगा उनका नंबर भी फ्लैश करूँगा जो एग्जीक्यूटिव है हमारे जो कि लोन में स्पेशलिस्ट हैं प्लॉट्स में तो गलत पर्सन से कभी मत फंसना एच के अलावा कोई लोन नहीं करता सेकेंड किसी से भी डील लो कभी भी सस्ती जो डील दे रहा हो आपको गलती से भी मत लो पाँच लाख रुपये सस्ती कभी मार्केट में डील नहीं मिलती हाँ टेन ट्वेंटी थाउजेंड का डिफरेंस हो सकता है किसी डील में पर लाखों का फ़र्क अगर कोई कर रहा है तो आपके साथ जरूर चीटिंग हो रही है कहीं ना कहीं आप उस पाँच लाख को बचाने के पीछे करोड़ों का लॉस कर रहे हो कभी भी किसी को यह मत बोलो कि मुझे पाँच लाख या दस लाख प्लॉट सस्ता चाहिए मेरे कस्टमर के साथ ऐसा हो चुका है और जब भी आप किसी को एक रुपया भी दो तो उससे सबसे पहले पचास हज़ार दो टोकन मनी तो उससे सबसे पहले उसकी फ़ोटो स्टेट जरूर लो अगर वो फोटो स्टेट पहली बात तो पचास हज़ार से ज़्यादा कभी टोकन मनी मत दो और देते ही सबसे पहले उससे फ़ोटो कापी लो ऑनर से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस मार्केट का क्योंकि ऑनर कभी कई बार बहुत दूर रहता है और फाइनेंसर्स ने उठाए होते हैं प्लॉट्स तो वो मीटिंग करवाना बहुत मुश्किल होता है बट फिफ्टी थाउजेंड देने के बाद आप फ़ोटो कापी लो आराम से उसकी चेक करो पेपर पेपर्स मैं आपको कई बार बताता हूँ आज फिर बता रहा हूँ अलॉटमेंट लेटर चेक करो एफ डी आर की कॉपी होती है बत्तीस मीटर प्लॉट के लिए छब्बीस और बत्तीस के लिए दो हज़ार के एफ डी आर होती है और बड़े प्लॉट्स के लिए चार हज़ार के एफ एफ डी आर के पेपर होता है सबसे पहले एक स्लिप कटती है तो वो चेक करो उसके बाद अलॉटमेंट लेटर चेक करो फिर उसके बाद साइट पोजिशन लेटर और पोजिशन लेटर चेक करो फिर लीज़ के पेपर्स चेक करो लीज कैंसिल डी डी ए करता है फिर फ्री होल्ड के लिए अप्लाइड होता है प्लॉट वो भी पेपर्स चेक करो कन्विंस डीट भी कहते हैं तो उसके बाद ही आप प्लॉट लेने का डिसीजन लो और प्लॉट हमेशा लेने से पहले सॉलिड टेबल का होना बहुत जरूरी है अगर आप सोचो कि एक प्लॉट ले रहे हैं और सॉलिड टेबल नहीं है तो सॉलिड टेबल का होना पहली बात बहुत जरूरी है प्लॉट लेते समय तो ये बात आप मत भूलना कि किसी भी नॉर्मल पर्सन से प्लॉट जिस पे ट्रस्ट हो यह सॉलिड टेबल हो तभी प्लॉट लेने का डिसीजन करें इसमें ये मैटर नहीं है कि ऑनर को है पेमेंट आप दे रहे हैं किसी को बट मेन डिसीजन मेकर होगा आपका टेबल जिस टेबल से आप प्लॉट ले रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है मैं आप देख रहे हैं आठ महीनों से रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे पे आप ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं कि हर तीसरे दिन बाद जो पर्सन आपके सामने आ रहे हैं वो कभी चीट नहीं कर सकता अगर वो चीट कर रहा होता तो उसके रिव्यूज़ गलत आते हैं और वो गलत होगा तो वो ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं सामने फेस वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाएगी वो कभी काम ही नहीं कर पाएगा मार्केट में तो आप कॉन्फिडेंट हो के मुझसे मुझे बहुत सारे कई लोग सोचते हैं कि जो सर बोलते हैं कि अमेरिका से लोग आ गए एन आप जिसको भी ये डाउट है मेरे पास आ जाए लाइव उनको दिखाऊँगा कि कितने कस्टमर्स एन ऐसे हैं जो कि प्लॉट खरीदते हैं जिनके पास अच्छी इनकम है जो स्टेबल हाँ सारे एन करोड़पति नहीं हैं कुछ अच्छे लेवल पे हैं वो करोड़पति हैं और कुछ मिडिल क्लास भी हैं कुछ लो भी हैं तो हर टाइप के एन हैं ये गलत कमेंट्स मत करना दोबारा नहीं तो आप मेरे पास आइए मैं आपको समझाऊंगा ये बात हर टाइप का पर्सन है वहाँ पे तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल थर्टी फोर सेक्टर का बुरा हाल है बहुत पहली बात तो प्लॉट शॉर्ट हो चुके हैं शायद मेरी प्रमोशंस कुछ ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि थर्टी टू हंड्रेड सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं थर्टी टू सब्सक्राइबर का मतलब हुआ कि थर्टी टू हंड्रेड लोगों तक मेरा ये वीडियो जाता है ठीक है अपडेट्स जाती हैं तो इसलिए शायद ये भी हो सकता है कि इतने लोगों को मोटिवेशन हो चुका है कि थर्टी फोर सेक्टर में ही यह प्लॉट लेना चाहिए यही रीज़न हो सकता है कि जिसके कारण ना थर्टी फोर में प्लॉट्स की धीरे धीरे कमी होती जा रही है जब कोई चीज़ कम होती है इकोनॉमी रूल के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जैसे टमाटर आप ख़रीदने जाते हैं मंडी में और टमाटर कम हो गए फसल आई नहीं तो उसके रेट बढ़ जाते हैं सेम वही रूल प्लॉट्स के साथ भी है अगर जब आपके पास प्लॉट्स ही नहीं है तो जो एक प्लॉट आएगा उसका रेट बढ़ेगा और कई बार तो ऐसा भी हुआ है यहाँ पे अट्ठाईस सेक्टर में कि बबल की तरह पहले रेट बढ़े और ब्लास्ट हुआ और रेट फिर डाउन हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कोई प्रिडिक्ट कर सकता पर अभी जो हमें लग रहा था कि बबल ब्रस्ट होगा ऐसा नहीं हुआ पीछे हमें उम्मीद लग रही थी कि बबल ब्रस्ट होगा पर ऐसा नहीं हुआ और प्लॉट्स के रेट फिर दोबारा पहले बढ़े फिर नॉर्मल हो गए फिर दोबारा पीक पे दोबारा गए आई uh, थिंक इसका इफ, दो रीजंस फैक्टर मुझे लग रहे हैं एक तो मेरे कुछ शूट्स ज़्यादा वायरल हुए सेकंड यूईआर प्रोजेक्ट भी आ गया थर्ड मेट्रो की कनेक्टिविटी 34 सेक्टर के भी पास आने की पूरी उम्मीद हो चुकी है सो ये तीन फैक्टर जॉइंटली इफेक्ट हुआ और प्लॉट के रेट स्टेबल होते जा रहे हैं बढ़ बढ़ते ही जा रहे हैं कम नहीं हो रहे प्लॉट कम होते जा रहे हैं तो मेरी मेरी ये गुजारिश है या मैं आपको सलाह देना चाह रहा हूँ अगर आपके पास फोर्टी फाइव लैख हैं तो चुपचाप आप आज 32 का रेट थर्टी टू मीटर का फोर्टी फाइव लाख आ चुके हैं और जबकि छब्बीस मीटर का प्लॉट नियर बाय पूरे टाइम पे थर्टी फाइव से कोई डील नहीं मिल रही पीछे मैंने लास्ट रेट बताया था उनतीस लाख का आज थर्टी फाइव से कम कोई डील मिल नहीं रही है वो पूरे टाइम पे अगर हम बात करें जल्दी से जल्दी कोई पेमेंट करने वाली डील हो तो वो थर्टी फाइव थर्टी फोर तक मिल जाती है थर्टी थ्री तक भी पर पूरा टाइम लेके कोई डील आज नहीं मिल पा रही 26 मीटर सोचो 11 लाख से प्लॉट स्टार्ट हुआ और आज 36 पैंतीस लाख तक पहुंच गया और कहाँ 32 मीटर का प्लॉट 25 26 लाख से शुरू हुआ था 45 का रेट आ चुका है और 60 मीटर का प्लॉट 42 से स्टार्ट हुआ था 95 90 टू 95 के बीच में आ चुका है रेट ये मैं पॉकेट ए से ए की बात बता रहा हूँ तो आगे आने वाले टाइम का कोई भरोसा नहीं है व्हाट हैपन्स ये तो कुछ नहीं कह सकता बट ये पक्का गारंटी लिख के ले लो जिसने पाँच साल या तीन साल वेट कर लिया चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ डाउन वर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन मार्केट डाउन भी जाएगी कई बार अप जाएगी जब तक जंगल है बट लास्ट में ये आपके लिए एक ऐसा आ, ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि आपको बिठा के खिलाएगा जब आप ओल्ड एज में जाओगे तो यही प्लॉट आपको बिठा के खिलाएगा क्योंकि तब ग्राउंड फ्लोर से भी रेंट आएगा फ़र्स्ट फ्लोर से भी रेंट आएगा सेकेंड थर्ड चारों फ्लोर से रेंटल इनकम आपकी बनेगी और और मैं एक बात और बता दूँ जो भी पर्सन अभी फ़िलहाल प्लॉट बिजनेस में है जो भी कुछ सेक्टर्स में आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्टेप है वो मेहनत करें प्लॉट्स में और कई सपोर्ट की जरूरत है तो मेरे पास आओ मैं अगर पैसा है मैं आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरह से प्लॉट्स मुझे एसोसिएट्स की ज़रूरत है बिकॉज नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है रिलाईबिलिटी बढ़ती जा रही है गलत डील क्योंकि करता नहीं हूँ इसलिए लोग पहचान रहे हैं और मिलने आते हैं आ, मुझे कमर्शियल्स भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ जाता है सो टाइम की कमी है मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अब आगे नेटवर्क बना बढ़ाने के लिए सब मिल सकते हैं मुझसे अभी फ़िलहाल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जिन लोगों के पास 45 लाख पहली प्रेफरेंस 34 की रखो और मैं आपको बता दूं इस जो हमारी टोटल पॉकेट्स हैं ये जो थर्टी फोर सेक्टर है जन्नत है क्यों दो ही पार्ट है इसके ए और सी दो पॉकेट्स हैं ए के भी चार पार्ट हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और सी के पार्ट हैं सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी वन सी फोर सी फाइव सी सिक्स तो यू ई आर के बिल्कुल नज़दीक है ये यू ई आर अर्बन एस्टेट रोड जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ जो कि खर आ, ट्राफिक क्योंकि आप कभी भी मधुबन चौक से आज जा रहे हैं तो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक आप कभी जाके देखिए पूरा आ, पूरी दिल्ली एक तरह से बर्बाद हो चुकी है रहने आ, रहने लायक नहीं रही क्योंकि आधे से ज़्यादा जिंदगी आपकी ट्रैफिक ब्लॉक में गुजर रही है तो अगर आपने ट्रैफिक से सुकून है कम टू थर्टी फोर सेक्टर आने वाले दस साल शांति से गुजरेंगे आने वाले बीस साल तक आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं ट्रैफिक जाम्स के बिना तो टेक ए क्विक डिसन और प्लॉट क्योंकि महंगे होते ही जा रहे हैं लगातार हाँ मैं एक और बात आपको राय दे सकता हूँ जिन लोगों का बजट फोर्टी फाइव तक का नहीं है थर्टी सेक्टर में कोई कमी बता दो क्या कमी है थर्टी सेक्टर की सी वन सी टू में क्योंकि ए वन तो आउट ऑफ लिमिट हो गया मैं आपको बता दूँ साठ मीटर का प्लॉट का रेट एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये आ चुका है थर्टी ए वन में साठ मीटर का प्लॉट और बत्तीस मिनट की भी कॉस्ट बढ़ती जा रही है साठ लाख के करीब तो ए वन को तो छोड़ दो तीस ए वन तो कॉस्टली हो गया पर सी वन सी टू में अभी भी चांस है कि आपको थर्टी सेवन लैख का प्लॉट मिल जाएगा बत्तीस मिनट का ए uh, वन में तो मुश्किल है सॉरी सी वन में मुश्किल है सी टू में अभी भी मैं आपको एक दो तो प्लॉट्स दे दूँगा जो कि नॉर्मल रेंज के हैं सो so, मैं थर्टी सेवन लैख में प्लॉट अगर मिलता है तो ले कर रख लो पार्क फिशिंग प्लॉट है हमारे पास बो लेके अभी रख सकते हो पर आ, मेरी सलाह यही है कि फ, फर्स्ट प्रेफरेंस थर्टी फोर को अगर आपके पास जेब में कम है पैसे हैं छब्बीस मीटर का प्लाट लो पर पहली प्रेफरेंस सी वन सी टू को ही दो या ए वन ए टू को ही दो सेकेंड प्रेफरेंस अगर आपको ही रहा है कि मुझे बत्तीस ही खरीदना है तो आप फिर देन यू कैन कॉन्सिडर थर्टी सी टू और सी वन बट पहली प्रेफरेंस थर्टी फोर को जन्नत खुद मत छोड़ो उसका पीछा जो प्लॉट मिलते जा रहे हैं थोड़े बहुत रह गए हैं जब तक हैं कस्टमर्स ले सकते हैं तो मैं आपको उस जन्नत वाले सेक्टर के कुछ नंबर बताने जा रहा हूं और मैं आपको एक और फीचर बता दूं इस सेक्टर का जो मैं हर बार बताता हूं अपने नए जो सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं रोज उनके लिए भी बताने जा रहा हूं यहां पे एक वेस्टर्न यमुना कैनल है जो कि एक ड्रॉबैक नहीं है वो एक फ़ायदा है क्योंकि सारे सेक्टर का जमीन का पानी मीठा हो चुका है पूरे स्कूल्स का अरेंजमेंट है थर्टी फोर सेक्टर में प्रॉपर स्कूल्स बनेंगे चार हाउसिंग पॉकेट्स हैं जीवन मनोकामना शिव शक्ति सनराइज उत्सव ये सब पॉकेट्स हैं और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे क्योंकि मॉल्स बनेंगे यहाँ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा सो so, ये फीचर्स देखते हुए थर्टी फोर सेक्टर को कभी मत छोड़ो और कोई कलोनी अटैच नहीं है सबसे बड़ा फीचर थर्टी फाइव में कलोनी है थर्टी में कॉलोनी है थर्टी सी टू में सी वन में नहीं है सी टू में है जबकि थर्टी के ए टू में कलोनी है फैक्ट्रीज़ हैं ठीक है थर्टी सिक्स सेक्टर अच्छा नहीं है मीन थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन की तो बात ही छोड़ दो बट मेन उनतीस सेक्टर इज अ गुड सेक्टर बिकॉज उनतीस में बी थ्री में डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है बट यू कान्ट कंपेयर इट बाई थर्टी फोर थर्टी फोर के कुछ प्लॉट्स जो कि मुझे डायरेक्ट कस्टमर्स ने फ़ोन करके बताए हैं क्योंकि प्लॉट आज नहीं है बट तो मुझे कुछ कस्टमर्स हैं डायरेक्टली फ़ोन कर देते हैं तो जो फ़ोन करते हैं मैं बायर एंड सेलर मेरा काम होता है बायर एंड सेलर को कनेक्ट करना जो मेरी मेहनत होती है थोड़ी सी ले लेता हूँ दोनों साइड से उससे ज़्यादा एक रुपया अभी चार्ज नहीं होता मेरे यहाँ पे सिर्फ बायर एंड सेलर को कनेक्ट करने का काम है मेरा तो मैं कुछ प्लॉट्स नंबर बताने जा रहा हूँ थर्टी फोर एवन का आ, टू वन सिक्स सेवन नंबर थर्टी टू मीटर एटी फाइव लैक की ये मेन रोड का प्लॉट आया है मेरे पास थर्टी मीटर रोड पे ये मेन रोड का प्लॉट है और भी कॉर्नर टू वन सिक्स नाइन नंबर इज़ द कॉर्नर प्लॉट और मैं बताता हूँ कई लोग कहते हैं नहीं नहीं अरे नंबर बता दिए गड़बड़ हो जाएगी क्या गड़बड़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर खुद ही जाके ले लेगा किसी से तो क्या हो गया तो जो लोग ये सोचते हैं कि नंबर बताने से कुछ गड़बड़ होती है तो कुछ गड़बड़ नहीं होती है उसकी किस्मत है वो डायरेक्ट भी ले जाएगा तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो छुपाने से कभी बिजनेस नहीं होता <coughs> डायरेक्ट बताऊँ और मैं ये देख रहा हूँ कुछ आ, यूट्यूबर्स मतलब कुछ नए नए यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं जब से मैंने शूट्स किए तो कुछ फेक वीडियोस भी बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं सबको पता है कि मैं चीटिंग नहीं करता जो एग्जैक्ट होता है वो बताता हूँ क्योंकि वो आ, इस चीज़ को मिस यूज़ कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स यूट्यूबर जो अभी नए आए हैं तो वो क्या करते हैं कि जो रेट होता है उससे पाँच लाख कम बता के यूट्यूब पे उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स को और वो कस्टमर बेचारे लालच में आके उनको पैसे दे रहे हैं और बाद में फंस जाते हैं क्योंकि प्लॉट होता ही नहीं है जो मैंने रेट बता दिया वो पत्थर की लकीर है कोई चैलेंज कर दे कि इससे कम दे दे और वो प्लॉट एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फ्री में भी दे देगा पर एग्जिस्ट तो करे एग्जिस्ट नहीं करते प्लॉट्स क्योंकि वो एग्जिस्टेंस होती नहीं है उनकी तो नोट करो सेकंड प्लॉट है थर्टी फोर का सिक्सटीन ट्वेंटी वन नंबर बत्तीस मीटर फ्री होल्ड प्लॉट फोर्टी फाइव का देने जा रहे हैं हम थर्टी फोर का सेवनटीन सेवनटी टू नंबर थर्टी टू मीटर का प्लॉट फोर्टी फाइव लाख में देने जा रहे हैं थर्टी फोर ए वन का सिक्सटीन फिफ्टी वन नंबर बत्तीस मीटर का प्लॉट फोर्टी फाइव लाख का देने जा रहे हैं थर्टी फोर ए फोर का थ्री नाइन नंबर थर्टी टू मीटर का फोर्टी फाइव लाख में देने जा रहे हैं थर्टी फोर ए टू का नाइन नाइन्टी टू नंबर बत्तीस मीटर का प्लॉट बारह बाय 9 का कॉर्नर बारह मीटर रोड पे बहुत ही बढ़िया प्लॉट सिक्सटी फाइव पॉइंट फिफ्टी का देने जा रहे हैं Uh, उसके बाद थर्टी फोर का सेवनटीन फोर्टी टू सेवनटीन सिक्सटी बत्तीस मीटर का प्लॉट फोर्टी थ्री लैख का देने जा रहे हैं थर्टी फोर का 1425 ट्वेंटी फाइव नंबर फोर्टी फाइव लैख का देने जा रहे हैं uh, और थर्टी फोर का फोर्टीन एटी सिक्स नंबर बारह मीटर रोड अकेला प्लॉट बचा, फिफ्टी लाख का देने जा रहे हैं जबकि थर्टी फोर का सिक्सटी एट नंबर मेन टू बैक प्लॉट नाइन्टी थ्री लैख का थर्टी फोर ए वन का थर्टी थ्री नंबर वन पॉइंट थर्टी वन करोड़ सिक्सटी मीटर का प्लॉट देने जा रहे हैं और उसके बाद थर्टी फोर ए फोर का सिक्स ट्वेंटी नाइन बारह बाई तीन का कॉर्नर वन करोड़ फिफ्टीन लाख का देने जा रहे हैं थर्टी फोर ए वन का थ्री नाइन्टी टू नंबर नाइन्टी लाख का देने जा रहे हैं सो so ये सारे मैंने आपको नंबर्स बताए हैं और एक, एक और मैं आपको नंबर बता रहा हूँ जिन लोगों के पास पैसा शॉर्ट है ये तो मैंने सारे आपको बत्तीस मीटर और साठ मीटर के प्लॉट लिखवाए आज मैं आपको एक प्लाट और देने जा रहा हूँ इस पर इसको आज की डेट में ही बुक कर लो अगर तुम्हें लेना है मैं आपको बता रहा था 26 मीटर के प्लॉट का रेट था आज से सिर्फ 15 दिन पहले उनतीस लाख पर आज 35 का रेट आ चुका है सोचो उनतीस और पैंतीस में कितना फ़र्क हुआ बता दो कौन सा बैंक पंद्रह अठारह दिनों में छः लाख रुपये देता है कोई बता दो अगर बैंक हो तो ऐसा तो इसलिए जो लोग और कुछ लोग भड़का भी रहे हैं कि अरे प्लॉट ले, ले लेगा फस जाएगा क्या फंसेगा उसकी ज़िंदगी बन रही थी तुमने उसको ख़राब कर दिया जब उसको छः महीने बाद पता लगेगा कि आज मैं ले लेता ठीक है तो मैं करोड़पति था इन फ्यूचर और जब वो नहीं बनेगा और उसको पता लगेगा दूसरा कोई बन गया तो वो आपको गालिया निकालेगा उसके मन से बद निकल जाएगी सो किसी को गलत सलाह मत दो कि प्लॉट लेने से नुकसान होता है प्लॉट लेना ही एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है थर्टी टू सी टू का सिक्स नाइन्टी फाइव नंबर छब्बीस मीटर का प्लॉट, थर्टी फोर लैख का देने जा रहे हैं हम उसके बाद थर्टी फोर सी टू का थ्री फोर्टी वाली लाइन में इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा थर्टी फाइव लैख का थर्टी फोर सी वन का टू फाइव सेवन नाइन नंबर लाइन में थर्टी फाइव लैख का और जबकि थर्टी फोर सी वन का टू थ्री सिक्स ज़ीरो चार जनवरी की पेमेंट है सबसे सस्ता देने जा रहे हैं आप इस डील को मुझसे थर्टी टू पॉइंट फिफ्टी का भी ले सकते हैं पर आज कॉल आनी चाहिए कल नहीं उसके बाद थर्टी फोर सी वन का सी थ्री का एट ट्वेंटी थ्री नंबर थर्टी फाइव लैख का थर्टी फोर ए वन का एट ट्वेंटी नाइन नंबर पार्क फेसिंग प्लॉट साढ़े तैतीस लाख का प्लॉट देने जा रहे हैं जबकि हमारे पास सी फो मैं आपको ताकि अपडेट करने में ये नहीं है कि मैं कोई और चीज़ अपडेट नहीं करूँगा सारे C4 का एक प्लॉट आया हुआ है 34 C4 का 531 वाली लाइन में 12 मीटर रोड पे चार महीने का टाइम एक करोड़ नौ लाख का प्लॉट आया हुआ है और जबकि बार मैंने आपको बताया था C4 पॉकेट आठ महीने पहले क्या रेट बताया था याद है आपको देख लेना पहला वीडियो मेरा 50 50 के करीब मैंने रेट बताया था आज देख लो एक करोड़ नौ लाख पचास लाख नौ हज़ार का प्रॉफिट बता दो कोई देता है कोई फ्लोर आठ महीनों में चौंतीस सी फोर का फाइव फाइफ्टी फिफ्टी नाइन नंबर बारह मीटर रोड सॉरी नौ मीटर रोड पे एक करोड़ दो लाख रुपए का प्लॉट है बट ये कैश पेमेंट पे है बिल्कुल जल्दी पेमेंट कर सकते हो बारह से पंद्रह दिनों में ये प्लॉट मिल जाएगा आपको एक मेन रोड का प्लॉट थर्टी फोर सी फोर का इक्कीस नंबर एक करोड़ तेरह लाख का प्लॉट सॉरी एक करोड़ छब्बीस लाख का प्लॉट है क्योंकि मेन रोड का प्लॉट है उसके बाद देन मैं आपको कुछ डील्स बताने जा रहा हूँ थर्टी सेक्टर की थर्टी सेक्टर की कुछ डील्स हैं जो सस्ती हैं बट पहले आंखें बंद करके 34 थर्टी फोर लो नहीं हैं पैसे और थर्टी टू मीटर का ही प्लॉट चाहिए देन कम टू दिस सेक्टर नोट कर लीजिए थर्टी सी टू का पाँच सौ ग्यारह नंबर पार्क फेसिंग प्लॉट थर्टी एट का देने जा रहे हैं 37.50 तक भी डील हो जाएगी 37, 37.50 तक 30 सी टू का 475 टू 480 वाली लाइन में 100 दिन का टाइम 37 लाख लैक का जिनके पास 32 मीटर का सपना है और 32 मीटर नहीं ले सकते वो ले लो आंखें बंद करके एक लॉट अब फिर बाद में ये भी नहीं मिलेगा ये भी 50 का हो जाएगा 37 का 625 ट्वेंटी टू थर्टी फोर्टी वन पॉइंट फिफ्टी का मिलने जा रहा है जो कि थर्टी एट लाख का पैंतीस लाख का मिल रहा था थोड़े दिन पहले तक थर्टी का थ्री फोर्टी टू टू थ्री फोर्टी फाइव ये भी ये प्लॉट भी फ्री होल्ड है पार्क फेसिंग प्लॉट है थर्टी सेवन का मिल जाएगा आपको थर्टी सीटों का वन सिक्सटी फाइव टू वन नंबर थर्टी सेवन पॉइंट फिफ्टी का और अट्ठाईस सीटों का तेरह सौ पंद्रह नंबर 1320 तेरह सौ बीस फोर्टी थ्री का इन दिस वे आज का क्योंकि शूट्स हमारे शूट्स ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हुआ करेंगे आपको प्राइस अपडेट मिलता रहेगा टॉप अब तो हमारा जो नेटवर्क है क्योंकि बहुत ही बड़ा हो चुका है सो so, हम एफिशिएंटली और हम कोशिश करेंगे आप रिव्यू जरूर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले मैं और मेहनत कर पाऊँ आप ज़रूर जब भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ज़रूर एक वर्ड लिखा करो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग या फिर आप एक वर्ड लिखो कि बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देख के आ, या फिर कुछ भी एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दो कि आप रेगुलर हार्ड वर्क करो सर जब तक पॉसिबल है आप हार्ड वर्क करते रहो हमारे लिए ताकि मेरे में एनर्जी लेवल्स और बढ़ते जाएं टाइमली ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और प्लॉट्स अप टू डेट आपको मार्क रखूं जो चंडीगढ़ में बैठे हुए लोग हैं और वो रोज़ फ़ोन नहीं कर सकते डी को पर मेरे शूट तो देख सकते हैं घर बैठे बैठे उनके लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव रहता है मेरा वीडियो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो